मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सुषमा सुषमा से लेकर और दुष्मा दुष्मा तक जो काल चलता आ रहा है, तो पहले तीर्थंकर से जो चौथे काल में हुए, तब सुख का एक काल था जिससे होते होते वो कम होता गया, ह्रास होता गया चौथे काल के अंत तक, फिर आगे भी ह्रास होता जा रहा है। तो पहले से 24वें तीर्थंकर हुए, जब उल्टे उल्टा काल चक्र जब चलेगा, दुष्मा दुष्मा से जब चौथा काल फिर से होगा, लेकिन चौथे काल का जो भी अंत था वो पहला शुरुआत होगा, तो कैसे उसका पहले तीर्थंकरों का जन्म कैसे होगा, कैसे उनके क्योंकि उस समय तो सब तरफ त्राही त्राही, बहुत या अच्छा हम प्रश्न कहें है भगवान महावीर के समय का काल हमारे, जैसा होगा। बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ इसके लिए आगम में 6 कालों को 2 रूपों में देखा गया, एक अवसर्पणी के रूप में और एक उत्सर्पणी के रूप में। अवसर्पणी के रूप में धीरे धीरे तीर्थंकरों के कालों के समय धीरे धीरे हर चीज ह्रास होते होते अंत में दुख में परिणत हो जाती है, और आगे आने वाला जो काल आएगा वो उत्सर्पणी का काल आएगा। और उत्सर्पणी काल का अर्थ होता है जो यहाँ महावीर स्वामी के समय व्यवस्था थी वो वहाँ प्रथम तीर्थंकर के समय रहेगी, और धीरे धीरे बढ़ते हुए 24वें तीर्थंकर जब पहुंचेंगे तो आदिनाथ अजितनाथ भगवान के समय की जो व्यवस्था है उतने सुख पर पहुंच जाएंगे। तो ये अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल का है। आगे जो तीर्थंकर जन्म लेंगे उसके पहले 14 कुलकर होंगे, और 14 कुलकर वो त्राही माँ को शांत कर देंगे। जैसे जब लोगों के मन में पहले काल में चौथे काल में जब षट कर्म की व्यवस्था की गई, कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, तो कुलकर ने सारी जनता के दुखों को मिटा। ऐसे ही 14 कुलकर आकर के जो छठे काल की त्राही माँ, पंचम काल की त्राही माँ थी, उस त्राही माँ को सबको वे 14 कुलकर ऐसे ही शांत कर देंगे। जैसे जब राष्ट्रपति आता है ना मुख्यमंत्री, उसके पहले कलेक्टर आदि सब रोड फोड सब बराबर सब ठीक कर देते, ऐसे तीर्थंकर के आने के पहले 14 कुलकर, इधर भी 14 कुलकर हुए उधर भी 14 कुलकर होंगे, वे इस कार्य के लिए सब व्यवस्थित कर देंगे। और जब महापद नाम के तीर्थंकर होंगे तब ऐसा सुभाषित समय होगा जैसा महावीर स्वामी के समय था।